गरियाबंद जिला में कांग्रेस प्रत्याशी जनक राम ध्रुव कल देर शाम छुरा ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आदिवासी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जनक ध्रुव को इस बार कांग्रेस पार्टी ने बिंद्रानामगढ़ विधानसभा प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद प्रथम छुरा आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखे फोड़कर उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जनक ध्रुव को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस बार जनक ध्रुव छुरा नगर की प्रसिद्ध शीतला मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किया और माता का आशीर्वाद लिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा प्रत्याशी जनक ध्रुव ने कहा, कार्यकर्ता और बिंद्रानामगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मुझे हाईकमान ने टिकट दिया है। इस बार हम कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से बिंद्रानामगढ़ विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगे और हम बिंद्रानामगढ़ क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, क्षेत्र की जनताओं को और यहाँ के देवी देवताओं को सादर प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे बिंद्रानामगढ़ में एक प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा, हमारे भूपेश बघेल की सरकार के जो गरीब किसान मजदूर की सरकार है, इस जो प्रदेश में और देश में नहीं पूरा विश्व में इस तरह से काम जो कर रहे हैं जमीन स्तर में, उसका जो काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार को लगभग 5 साल का सेवा करने का मौका मिला था जनता के द्वारा, लेकिन 2 साल का कोरोना काल समय रहा और 3 साल का जो समय रहा, अपेक्षाकृत जो पिछले 15 सालों में भाजपा ने भय भ्रष्टाचार का जो काम किया था, उससे जमीन आसमान का अंतर हमारी सरकार में दिखता है। आने वाला समय में हमारे युवा मितान के माध्यम के हो, चाहे मितानियों के माध्यम से हो, चाहे गोठान के नरवा गरवा गुरुआ बारी की जो सरकार चल रही है, हमारे सरकार की ढेर सारी योजनाएं जो 67 प्रकार की योजनाएं हैं और किसान हितैषी जो सरकार है, चाहे